हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत सरकार द्वारा दोस्तों वैकेंसी आउट हो गई है, पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट निकली है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट लेवल, सारी वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो, फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पोस्ट का नाम आपको बताना चाहूंगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों। तो एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप भी डायरेक्ट उसको रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा सारी चीजें, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी भी बातें एडवर्टाइजमेंट में कही गई हैं सारी बातें हम कर लेंगे। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी मिलेगी कि आपके एग्जाम कहां पे होंगे, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों पोस्ट आउट हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत जो आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये दोस्तों अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपकी ट्रांसफरेबल जॉब रहेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसको अप्लाई जरूर कर देना, मैं आपको पर्सनली ये सजेशन दूंगा। पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी 10th पास की पोस्ट की। पोस्ट का नाम है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी जो कि 18,000 से 56,900, यानी कि जो आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी वो 20 से 25,000 के बीच में बनेगी। अब दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एज होनी चाहिए 30 साल। अब दोस्तों अगर आपको एज में रिलैक्सेशन लेना है, सपोज करो आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सारे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट की, जिसका नाम है स्टेनो ग्रेड 2। अगर दोस्तों आपको स्टेनोग्राफरी आती है, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, तो आप इसको अप्लाई जरूर कर देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगली पोस्ट की, तो जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया और पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट। इसमें दोस्तों सैलरी की बात करें तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है 25,500 से 81,100 की इन एंड सैलरी बनती है दोस्तों, 35 से 40,000 बनती है। एज की बात करते हो दोस्तों, ज्यादा ज्यादा आपकी जो नीचे 27 साल। और दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं, ग्रेजुएट लेवल की है, इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की सैलरी बड़ी जबरदस्त मिलेगी दोस्तों। लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी जो कि 45 से 50,000 आपकी सैलरी बनती है स्टार्टिंग में। और स्टेनो की स्पीड मांगी तो 100 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। एज की बात करते हो दोस्तों, ज्यादा ज्यादा आपकी 30 साल उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें एक एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि 3 साल का आपको स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों अब आपके मेन सवाल ये होते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, आपके पेपर कहां पे होंगे और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा पूरा। दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा प्रॉपर ऑनलाइन रहेगा, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप डायरेक्ट उसको गो थ्रू जरूर कर लेना। उसमें साफ साफ कुछ चीजें मेंशन है, वो मैं आपको बता देता हूं जो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी ईमेल आईडी ऑथेंटिक डालना और एक्टिव डालना। दोस्तों आपको जो फॉर्म भरना है वो पूरा करेक्ट भरना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, उसको काउंटर चेक करके तब सबमिट करना है। तीसरी बात बता दोस्तों, जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका एक प्रिंट आउट अपने फ्यूचर सिक्योर के लिए रख लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन चार्जेस की। अगर आप अप्लाई करते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट या स्टेनोग्राफर के लिए या असिस्टेंट के लिए, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी थी, उसमें आपको ₹750 देने होते हैं अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं या 12th स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको देने होंगे ₹100 अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अगर आप एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं या पीएच कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप लोगों के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डायरेक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और आपका एग्जाम कहां पे होगा। तो एग्जामिनेशन सिटीज की कुछ दे रखी है लिस्ट, वो मैं आपको बता देता हूं। गुवाहाटी, कोलकाता, रांची, रायपुर, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, ये कुछ सिटीज हैं दोस्तों जहां पे आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा दोस्तों सिलेक्शन का। अगर दोस्तों आप मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपनी एजुकेशन और अपनी स्टेट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।